हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मैगी मंचूरियन। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बहुत जल्दी बन भी जाता है, ज़्यादा इसमें समय लगता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कैसे बनाया है तो इसे देखने के लिए आप तैयार हो जाइए और मेरी फुल वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया, गैस पर रख दिया पैन और उसके 1.5 कप यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और यहाँ 2 पैकेट में मैगी ऐड कर रही हूँ। मैगी ऐड करने के बाद यहाँ 1 चम्मच भर के आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। इससे क्या है, आपकी मैगी एकदम चिपकेगी नहीं जब आप बॉल्स इसकी बनाएंगे, तो आप बाद में आपको हाथ पे ऑयल लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद एक बॉल में निकाल लें और उसके बाद एक मैंने प्याज इसमें ऐड की है कट करके, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हरी प्याज ऐड की है, 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर राइस फ्लोर लिया है और 1 हरी मिर्ची और थोड़ी सी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची। अब इसके बाद यहाँ पर हम मैगी मसाला ऐड करेंगे 2 पाउच, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक आप ध्यान से ऐड करें क्योंकि मैगी मसाले में भी नमक होता है और आपकी सहजवान चटनी में भी ऐड होता है। तो यहाँ मैंने 2 बड़ी चम्मच सहजवान चटनी भी ऐड की है और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद एक मैगी पैकेट और ले लें और उसके बाद यहाँ पर इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से ही, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इसका बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स एकदम आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, जितनी बड़ी रखना चाहें। तो छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे सारी और उसके बाद इसकी कर देंगे अच्छे से कोटिंग। कोटिंग के बाद अगर ये ऐसे नहीं चिपक रहा है मैगी तो हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए चिपका लें। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने ही अच्छे से बॉल्स बन गए हैं। उसके बाद हम करते हैं डीप फ्राई। डीप फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। और उसके बाद ये अच्छे से फ्राई होने के बाद हमें इसको एक झन्ने में निकाल लेना है ताकि इसका जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाए और ये के अंदर क्रंचीनेस बना रहे, इसलिए इसको झन्ने में निकालें। अब यहाँ पर हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लहसुन ऐड किया है और 1 हरी मिर्ची ऐड की है। अब यहाँ मैंने प्याज भी ऐड कर दी है, वैसे सॉल्टी करना है। अब यहाँ पर मैं तीनों ही शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, येलो, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो आपके पास अगर येलो ग्रीन नहीं है तो आप स्किप कर दें। और यहाँ थोड़ा सा मैंने 1/2 चम्मच अदरक ऐड किया और एक चम्मच बीन्स। तो इस तरह से इसको सॉल्टी करना है। अब यहाँ पर सॉसेस ऐड करेंगे तो 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस ऐड किया, 1 बड़ी चम्मच ग्रीन चिली सॉस किया, 1 बड़ी चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप और 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर मैंने सहजवान चटनी ऐड की है। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम मिलाएँगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच लिया है, उसमें पानी में घोल लें और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपको पानी और ऊपर से लगेगा। तो 2 कप मैंने यहाँ पानी ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे थिक पसंद करते हैं खाना या ग्रेवी वाला खाना पसंद करते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ एक उबाल आने के बाद तुरंत ही आप उसमें बॉल्स डाल देंगे, मैगी बॉल्स, और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे बिल्कुल बंद। ये तैयार हो गई बनकर झटपट बनने वाली मैगी मंचूरियन। तो जल्दी से आ करिए, मुंह खोलिए और खा लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखें।